हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना चाट, बहुत टेस्टी बनेगी ये। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चाट बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए चने। तो ये एक रात पहले भिगो के रखे थे और ये अच्छे से फूल चुके हैं चने। इन्हें साफ करके धो के तो इधर हम कुकर ले लेंगे, कुकर को गर्म होने देंगे। तब तक ना इसका मसाला बना लेंगे हम। तो थोड़ा धनिया लेंगे, चार लाल मिर्ची लेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और चटनी को हमें पीस लेना है। तो इधर चटनी तो हमने पीस ली है और इधर कुकर भी गर्म हो गया था, तो दो बड़ी चम्मच हमने तेल लगा दिया है। और तड़का के लिए थोड़ी हींग डालेंगे एक पिंच के करीब। वो जो चटनी पीसी थी ना वो डाल देनी है। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें डालने हैं हमें चने। सारे चने डालने के बाद अच्छी तरह से चटनी में चने को हमें मिला देना है। जब इस तरह से बनाओगे ना तो पसंद भी बहुत आएंगे सभी को, टेस्टी भी बहुत बनते हैं जब इस तरह से हम चना चाट बनाते हैं। तो थोड़ा पानी डालेंगे आधा गिलास के करीब और कुकर को बंद करके इसमें तीन सीटी आने देंगे। तो तीन सीटी आ चुकी हैं, अभी थोड़ा पानी इसमें और है तो गैस पर रख के ना थोड़ा और बनने देंगे हम। थोड़ा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, अच्छी तरह से चाट मसाला को भी हमें मिला देना है। तो लीजिए, सुबह के नाश्ते में चना चाट बन के है तैयार। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगी इस तरह से जब चना चाट बनाओगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पे न्यू आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी फ्री में। तो अब हम मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।